चलो चलो ओके ओए शाबाश ये शाबाश बचपन के बचपन बचपन के दिन बच रुको वन टू थ्री आ रहे हो पापा जी बराबर है वेलकम मैजिक टच वाला तो गाइस वी बैक अगेन विद आवर न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आज आपको पता है तूने भी आने ब्लॉग में आ जा जैसे कि आज आपको पता है कि आज मैं आ रखा हूँ पहले तो मम्मी का मैं असिस्टेंट बना हुआ आज पर्स लेके और ये क्योंकि मम्मी आप देखना भी मम्मी कितने ज़्यादा मजे कर रही है झूले झूल रही है मम्मी पागलों की तरह बचपन याद आ रहा है मम्मी का असली वाला। तो आज यहाँ पर हम आ रखे वीर जी के घर के ओपनिंग पे ओपनिंग हो चुकी है मेरे को टाइम नहीं मिला इस करके अब मैं थक गया था मेरे को नींद सी आ रही थी अब मेरे को थोड़ी फुर्ती आई है तो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। हाँ जी हेलो सोनी वीर जी को कर दो हेलो सोनी वीर जी बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग आपको मिस कर रहे हैं अगर आप भी होते ना भाई मज़ा आ जाता। तूने भी आना है हाँ। आ जा बोल दे हेलो क्या नाम है आपका मैं हरकार कौन सी क्लास में हो अच्छा अपना डायलॉग बोल दो वो हाय गाइस वाला जो फेसबुक पे बोला था आपने हेलो नहीं नहीं मुझे पूरा बोला अरे भाई शर्म आ गई आ गया अभी आपको और भी मेंबर से मिलाया जाता है गाइस चलो सनी वीर जी फिलहाल आपके घर भी आना है इनका घर भी ऐसी कुछ ग्रीन एक्सप्रेस की तरह ही है आपके घर भी जरूर आएंगे हम ठीक है चलो मम्मी झूला चढ़ने जा रही है भाई साहब चढ़ो मम्मी ध्यान से भाई वेट देख के चलो वन मम्मी मत्था देख के टन हो रहे ऊपर ही चलो इसके अंदर से चलो बीच ही जाओ ना तो यहाँ से चल लो आपके मिशन झूला आप मम्मी यहाँ से मत चढ़ो इधर से पुश करो चलो ओके ओए शाबाश ये जय मम्मी की हालत देखो भाई साहब ब्लॉग बना रहा हूँ चलो रुक जाओ वन टू थ्री आ रहे हो पापा जी हेलो पापा इसके अंदर से जाओ पापा हाय कर दो स्टाइल मारना स्टाइल पुष्पा झुकेगा नहीं तो गाइस ये देख सकते हो मम्मी पता नहीं ये छोटे से टनल में से निकल चुकी है वहां से अब जा रही है मम्मी टापने दूसरे पे चलो भाग के चलो कहां से आ रहे हो आ जाओ ध्यान से सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर धीरे धीरे करके झूले चल रहे हैं मामा जी चलो आप भी दिखा दो यार झूले बचपन के दिन ये भी झूल दो ये भी एक बार ये मामा जी मम्मी के साथ चलो ये वाले झूले पे एक बार आओ भाई बहन अपना बचपन याद करो मेहर हटना चलो अब देखते हैं वेट किसका ज्यादा है मामा जी तो ऊपर चलो बराबर है आज हमें बहुत मजा आया आज बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने इंजॉय कर अपना बचपन याद आ गया कितने टाइम के बाद ऐसे झूले आप लोगों ने बहुत टाइम 35 ईयर कितने 35 मामी जी यार आप रह गए आपने झूले नहीं झूले बिल्कुल भी ऐसे झूले ये वाले झूले बहुत मासी अब आपकी बारी आ जाओ चलो अरे ट्राई तो करो चलो गाइस मासी है मेरी और वो मामी जी है ये है सेकंड पार्टी गाइस फर्स्ट पार्टी आपने देख लिया वो बचपन वाली अब यहाँ पर सारे बुजुर्ग बैठे हैं यंग अच्छा सारे यंग ठीक है 30 साल 35 साल इतने ठीक है 30 साल 35 साल क्या बात कर रहे अरे यार तो सारे यहाँ बैठे एक एक करके इंट्रोड्यूस कर दो सारे अपने आप को नाम तो बोलो मेरा नाम रानी है और ये इनकी बेटी है देखो शक्ल सेम मिलती है ना और ये नाना जी हेलो कर दो हेलो
और ये मेरे ब्लॉग देखते हैं इस करके थोड़ा कॉन्फिडेंस है इनमें। ये पिंकी मामी है और ये प्रीति भाभी है, आपके घर भी आएंगे जरूर हम। ये मासी जी है जिनके घर आज हम ओपनिंग पे आए थे गाइस, और ये बबली मासी है, इनको तो आपने बहुत बारी देखा होगा व्लॉग में। ये मासड़ जी है, मासड़ येलो कर दो, और ये बबलू मामा जो जागो पे जिन्होंने हमारी चार चांद लगा दिए थे। और उनके उनके पार्टनर ये रे मामा जी, और ये मामी जी से तो अभी मिले थे, झूले झूल रहे थे जो। और नाना जी, नाना जी एक्सरसाइज, नाना जी एक बार एक्सरसाइज कर दो, बाहर पहुंच जानी है। कर लिया, पीछे दिख रहे क्लब हाउस, इसके अंदर ही पूरा डाइनिंग टेबल सेट था, तो हमने लंच वगैरह डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ कर लिया, पकोड़े थे शाही पनीर वगैरह सब कुछ था, तो मज़ा आ गया आज बिल्कुल। और अभी देखते हैं और चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने को क्या है, क्योंकि ये तो अपार्टमेंट हो गया ना पूरा ग्रीन एक्सप्रेस, तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे बैडमिंटन कोर्ट हो गया आपका, स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग पूल अभी फिलहाल भरा नहीं है। मास्टर जी कब तक भरा जाएगा स्विमिंग पूल? होली में भरा था, होली भरा था, होली में उन्होंने खाली कर दिया था इसलिए बेटा, क्योंकि खराब ना कर दे पानी इसलिए। और भाभी रह गए, मेरी भाभी रह गई, भाभी रह गई, इनके पास तो लेके आने रह गया। भाभी सत श्रीकाल। ये मेरी दूर की भाभी है, ये होगी टाटा नगर, अब खुद इंट्रोड्यूस करो, मैं नहीं बता रहा। हेलो, माय नेम इज रवनीत एंड मैं इनकी भाभी हूँ, एंड प्लीज डू फॉलो जय जोत। और इनके दो बेटे का है, वो दो कहाँ पर है? जय जोत, ये रे, एक तो जय, तो ये रहा। ओए जय किधर है? जय जय को लेके ब्लॉग में लाएंगे। जय जय किधर है? जय जय ब्लॉग, पब्लिक देख रही है ब्रो। एक तो ये है इनका छोटा बेटा जय, जय हेलो कर दो। हेलो हेलो। अच्छा, वेयर इज योर स्मॉल ब्रदर? स्मॉल ब्रदर, ओके ओके, टॉक इन इंग्लिश, व्हाट इज योर नेम? दैट इज, इन व्हिच क्लास डू यू रीड? स्कूल्स, ओके, देन लेट्स गो टू योर ब्रदर, ओके ओके, लेट्स गो, रन बड़ी रन। मास्टर जी सत श्री अकाल कर दो एक बार। सत श्री अकाल। ओला बुक हो गई? ओला बुक कर रहे हैं। कहाँ जाना है ओला से आपने? ओला से यहीं आना है किसी को। अच्छा, यहीं आना है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं पर ही आना है, फिर यहाँ से हम हरिद्वार निकलेंगे। आज ही निकल जाओगे? बस अभी। कितनी देर में पहुँच जाओगे? हम मैक्सिमम 3 घंटे, दिल्ली से हरिद्वार 3 घंटे में। हाँ, यहाँ से वैशाली ये चलाएगा गाड़ी? ये फिर तो पहुँच जाओगे पक्का 3 घंटे, क्योंकि इसकी ड्राइविंग गाइस आप एक बार ही बैठ तो जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। अमृत ब्रो ओला बुक कर रहा फिलहाल अभी, चल कोई नहीं बुक कर, फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? तो ये देखो, ये है स्विमिंग पूल गाइस, यहाँ पर हम अप्रैल में कुछ यहाँ पर स्विमिंग करेंगे। अभी तो फिलहाल सूखा पड़ा है सारा, क्योंकि पता नहीं पानी क्यों नहीं भरा, खाली होली पे भरा था ये, होली के बाद यहाँ पर पूरा पानी खाली कर दिया। पापा दोनों डुबकियाँ मारेंगे यहाँ पर, ठीक है? मज़ा बड़ा आएगा यार, ठंडा ठंडा पानी होएगा स्विमिंग पूल का। यहाँ पर दूसरे फ्लैट्स आ गए अपना, ये रहा। ये नई सोसाइटी है। हम लोग गाइस अपने फ्लोर पे आ चुके हैं, 14th फ्लोर, अभी चलते हैं रूम के अंदर, मतलब कि घर के अंदर, और आपको चीज़ें दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें। हाँ यही है 1400 फ्लोर। एक फ्लोर अभी इसका रेनोवेशन चल रहा है अंदर। हमारा रूम लॉक है? हाँ ये लॉक है, आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर है वो भी। अच्छा, और भी होंगे? वो 4 बेडरूम है। अच्छा अच्छा, ये वाला है? नहीं लास्ट है। यहाँ से आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा, इतना बढ़िया व्यू लगता है ना, हेलीकॉप्टर हेलीपैड दिखता है, वहाँ से आर्मी ट्रेनिंग दिखती है आपको, दिखा दो। अरे बहुत सुंदर है ये, वो देखो गाइस, आपको मैं धीरे धीरे करके चीज दिखाता हूँ। वो सामने जो दिख रहा है ग्रीनरी सा, एच लिखा है जहाँ पर, मम्मी उधर करो थोड़ा, एच दिख रहा है, एच लिखा है, उसके अंदर वो हेलीपैड है। यहाँ पर देखो बच्चे खेल रहे हैं, सारे आर्मी ट्रेनिंग चल रही है इधर, सारे मतलब कि फुटबॉल बास्केटबॉल सारे यहीं पर ही खेलते हैं, और यहाँ से व्यू आप चेक कर सकते हो। ये देखो बिल्डिंग्स देखो, सारी जितनी भी है सारी यहाँ से सारी कुछ दिखता है। ये आपको रूम टूर कराते हैं, ये हम फिलहाल दूसरे घर में आए, यहाँ का हम इंटीरियर देखते हैं कैसा हो रहा है इंटीरियर। भाई साहब अच्छा लग रहा है मेरे को। ये 4 रूम बेड है। ये शायद से टीवी का होगा, अंदर आओ।
ये फॉल्स सीलिंग नहीं, ये सारा वुड वर्क बढ़िया यहाँ टीवी आ जाएगा बढ़िया, पीछे वो देखो पूरा पीओपी कितना बढ़िया कर रहा है, ऊपर छत दिखाऊंगी फॉल्स सीलिंग, यहाँ देखो एसी का वर्क हो गया पूरा, ये एक रूम ये है, नहीं बहुत अच्छा बना होगा, बहुत सुंदर, ये बेडरूम हो गया एक बढ़िया है, अलमीरा हो गई, खुलती है मेरा, खुलती है क्या? अब इतना तो मत खोल भैया, किसी की चीजें बंद पड़े नहीं कर, बंद करो नहीं खराब हो जाएगी, तो कुछ होएगा भी नहीं, खाली होएगा। अच्छा मटेरियल है, और दूसरे कमरे में चले गाइस, ये देखो बालकनी, ये छोटा सा स्टोर रूम टाइप बात नहीं, बालकनी है, यहाँ से वही हाइट सेम दिखती है, और आपको दिखाते हैं एक बेडरूम, ये बेडरूम आ गया, मास्टर है किचन है ये इनका, ये बेडरूम हो गया अंदर, मतलब कि हर बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच है, वो हर बेडरूम के साथ, हर बेडरूम का वॉशरूम अटैच है, वॉशरूम अटैच है, उसके बाद इनकी बालकनी अटैच है हर किसी के साथ, ये देखो यहाँ से और अच्छा व्यू दिख रहा है, एक दो दो ये गाइस कम ऑन, अब हम अपने घर में आ चुके हैं, यहाँ तो गाइस पाठ वगैरह हो रहा था इस करके यहाँ पर हमने बिस्तरे बिछा रखे थे, लाइट जला देता हूँ अब आपको अच्छी तरह दिखेगा, ये देखो बढ़िया एकदम लाइटिंग, लाइट जला दो और लाइट जला दो, गेट बंद करो, ये ड्राइंग रूम है गाइस, मम्मी आप इंट्रोड्यूस करो सारा, ये इनका ड्राइंग रूम है, लाइट जलाते रहो लाइट जलाते रहो, ये इनका एक बेडरूम है ये वाला, ये गाइस ये बाबा जी का हो गया जहाँ पर रखते हैं बाबा जी पूजा वगैरह करते हैं, और लाइट जलाओ, डाइनिंग रूम है ये इनका डाइनिंग रूम हो गया गाइस, डाइनिंग रूम के साथ ही ये किचन आ गया, किचन दिखाते हैं, ये बेची ने नया फ्रिज भी लिया है, देखो गाइस ये वाला लेना यार गाइस हमने, मम्मी अच्छा लगा नया फ्रिज, डबल डोर है हमारा है तो ऐसे कम है, बड़ा ही लेंगे हम, बढ़िया एकदम स्पेस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, हाँ जी पापा एटमबर्ग चलाता हूँ, ये देखो कोल्ड ड्रिंक, इसमें से हम लेके जाएंगे लिमका, एक मासी ने बोला ले जाना, दो मिनट, और किचन का गाइस देखो इंटीरियर कितना ज्यादा अच्छा रखा है, जो एडवांस किचन होती है ना एकदम, ये देखो ना इसमें कुछ कोई ऐसे पकड़ के खींचना ना कुछ रफ एंड टफ, इसको हल्का सा ऊपर करना यूं और यूं ऐसे हल्का सा छोड़ देना, ये देखो अपने आप नीचे जाएगा, वैक्यूम है पूरा पूरा वैक्यूम, और देखो एक चीज दिखा दो, इसमें कहीं आपको हैंडल दिख रहा है पकड़ने वाला, कैसे खोलोगे इसको, कुछ है ही नहीं, अब गाइस इसका ये तरीका है, ये आजकल की मॉडर्न किचन में चल रहा है, ताकि बिना हैंडल वो हो गया ना, अब हैंडल दिखेंगे नहीं तो सही लगेगी किचन बहुत ज्यादा, अभी और चलते हैं, अब चलते हैं दूसरे रूम में, ये है बेडरूम मास्टर रूम कह लो, इसकी अलमारी देखो गाइस कितनी अच्छी, दो मीटर को लाइट जलाता हूं, ये अलमीरा देख लो गाइस, यहाँ पर पार्ट रखा था, ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, वॉशरूम की एक चीज दिखाऊं, अभी दिखाते रुको, ये देखो वाह मैजिक, टच वाला वे, टच वाला देख रहे हो गाइस, चलो भाइयों इसी के साथ यहाँ पर करते हैं आज का ब्लॉग एंड, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मेरे को नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने एक आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद पापा गाड़ी निकाल के हम चलेंगे अपने घर, आई होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग देख के मजा आएगा, अगर आया होएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो, मैं तो पूरे साल से क्या कह के थक गया, बन के करा दो, अभी तक बन के नहीं हुए, पता नहीं कब होएंगे, जल्दी से बन के करा दो, फिर मैं भी उस बन के की सेलिब्रेशन करूँ बहुत अच्छी तरह, और आप लोग को भी दिखाऊं, प्लीज इसके बन के करा दीजिए, करा दो ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाए, मैं फिर ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ, जब एक आधे सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, फिर सोचो जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे कितना ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगा और कितनी अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा, तो इस करके सब्सक्राइब करो, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, ओए मेरी अंगूठी, बाय बाय एंड लव यू।